बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी बूढ़ी मराठी किचन में आपको खुश आमदेद। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। आइए शुरू करते हैं। कुकर में मैंने 2 कप पानी डाली है, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। पानी में गोश्त डालिए और मैं इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद करूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। टमाटरों को ग्रीस करेंगे और इन्हें ग्रीस कर लेंगे। पहले को चूल्हे पे मैंने रखी है, टमाटरों को रखेंगे दूसरे चूल्हे पे, प्याज को भी ग्रिल करेंगे। लहसुन भी रखेंगे, इन सारी चीजों को ग्रिल करके छील के फिर मैं इनका पेस्ट बना लूंगी। जितनी देर टमाटर प्याज ग्रिल होते हैं इतनी देर में मैं पालक काट देती हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से ग्रिल हो गई हैं, अब मैं टमाटर को छील लूँगी और इनका पेस्ट बना लूँगी। अब मैं सारी चीज़ें ब्लेंडिंग जार में डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें साबुत जीरा और कलौंजी डाल देंगे। पाँच सात सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें गोश्त डाल देते हैं। इसको एक मिनट फ्राई करें, उसके बाद बाकी मसाले डाल दें। एक टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। अदरक का पेस्ट डालेंगे। ग्रीन चिली को मैंने कूट लिया है, पेस्ट नहीं बनाया बल्कि कूटी हुई डालेंगे। सारे मसालों को गोश्त में मिक्स करेंगे। इसको मैंने मसालों के अंदर 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिए। अब इसमें मैं टमाटर प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। मसाले को पेस्ट में अच्छे से मिक्स करेंगे। चार पाँच मिनट तक भूनेंगे। गोश्त को मसाले में अच्छी तरह से भून लिया, पानी सारा ड्राई हो गया। अब मैं इसमें पालक डाल दूंगी। पालक को गोश्त में मिक्स करूंगी।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे। पालक को गोश्त में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, इसको अब 3-4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये बेबी स्पिनच है, बहुत जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस 4-5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और फिर चेक करेंगे। पालक को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह लग रही है। देखें किस कदर ज़बरदस्त पालक गोश्त रेडी है। अब मैं डिश आउट करूँगी, चूल्हे को बंद कर देंगे। अब मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, देखें किस कदर ज़बरदस्त पालक गोश्त रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एक यूनिक स्टाइल से मैंने बनाया है, ज़रा डिफरेंट स्टाइल से आप भी बनाएं। ग्रिल करके प्याज टमाटर डालने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, टेस्ट में भी बड़ा फर्क है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार सा पालक गोश्त रेडी है, अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया और सब्ज मिर्चों से गार्निश करूँगी। ये थी हमारी ज़बरदस्त टेस्टी सी आज की डिश पालक गोश्त। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।